सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन द्वारा लाइट चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें बताया गया कि सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ केंद्रीय श्रम संगठनों और बैंक बीमा आदि संगठनों ने मांगों को लेकर आंदोलन किया। इस मौके पर कहा गया कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 6 फरवरी को फिर आंदोलन होगा। मुख्य मांगे जैसे न्यूनतम वेतन, पेंशन सुनिश्चित की जाए, 1,000 की जगह कम से कम 6,000 प्रतिमा दिया जाए आदि को लेकर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया। मजदूर जो है केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरा हुआ है और आज और कल 2 दिन हम पूरे हिंदुस्तान भर में हड़ताल पर रहेंगे। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन, वो जो है 10,500 साथी हमारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वो हड़ताल पर हैं। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हमारे को न्यूनतम वेतन घोषित किया जाए, हमारे को जो है ये 2017 में जो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट के तहत जो है अमेंडमेंट किया गया था उस अमेंडमेंट को वापस लिया जाए और सेक्शन 2S को उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में सेल्स प्रमोशन को इंक्लूड करके जो एम्बिग्यूटी है वर्कमैन के स्टेटस को लेकर के उसको जो है अमेंडमेंट किया जाए और उसको इंक्लूड किया जाए। इसके माध्यम से आप ये हम जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री पे ज्ञापन भेज रहे हैं। हमारी ये मांग भी है कि दवा जैसे इम्पोर्टेंट एक प्रोडक्ट है GST जो है वो 0% होना चाहिए। अगर 0% GST नहीं होता है तो इसके माने ये है कि सरकार जो है वो देश की जनता पर जो है वो टैक्स लगा रही है। हमारी प्रमुख मांगे है, एक तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से जुड़ा हुआ, एक हमारा सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट में जो संशोधन स्टेट गवर्नमेंट ने किया है और उसको बदलाव के लिए जो भी स्टेट गवर्नमेंट कदम उठाई है हम उस कदम को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दूसरा, सेल्स से जुड़े हमारे जो साथियों के विक्टिमाइजेशन होते हैं उसमें हम कंपनियों के द्वारा किए गए इन विक्टिमाइजेशन का विरोध करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि जो भी हमारा सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट 1976 का है उसको कड़ाई से पालन हो और हमारे साथियों का विक्टिमाइजेशन बंद हो। हमारी प्रमुख मांगे ये भी है कि दवाई पे आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं जिसमें 0 GST मेडिसिन पर होनी चाहिए, मेडिसिन पर जो भी टैक्सेस है GST है उसको वापस लिया जाना चाहिए। उसके बाद हमारी मांगे हैं कि जो भी महंगाई है उस महंगाई पर काबू लगाए ताकि उससे जुड़े हम लोग भी और पूरा समाज है हमारा तो महंगाई कम हो। अच्छा, न्यूनतम वेतन हमारा एक मुद्दा है तो सरकार हमारी न्यूनतम वेतन की मांग पूरी करे।